सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर ऑल वेल। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो हाल ही में मूवी रिलीज हुई है आदिपुरुष, जिसकी अभी काफी चर्चा है, और चर्चा का कारण तो वैसे बहुत सारे हैं, पर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो टॉप 5 चीजें जिसकी वजह से आदिपुरुष मूवी इस चर्चा में अभी बनी हुई है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं इस मूवी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। इसका फर्स्ट पोस्टर जो कि आया था वो था 2 फरवरी 2021 को। उस टाइम काफी मूवी क्रिटिक्स ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था इसके पोस्टर को, क्योंकि काफी सारी गलतियां निकाली गई थी। उसके बाद इसका टीजर भी आया जिसके अंदर काफी सारी मिस्टेक्स थी, VFX मिस्टेक, और बहुत सारी चीजों को नहीं दिखाया गया था अच्छे तरीके से, नहीं प्रेजेंट किया गया था अच्छे तरीके से। बट फिल्म के मेकर्स जो थे उन्होंने कहा था कि जब हम मूवी रिलीज करेंगे, अभी हमसे गलती हुई है, वो जब मूवी रिलीज करेंगे तब वो सारी गलतियों के हम सुधार लेंगे, तब तक ये सारी चीजें ठीक कर देंगे। क्योंकि इस मूवी की बजट की बात करें तो वो भी है 500 करोड़ जो कि छोटा मोटा नहीं, काफी बड़ा आंकड़ा है। और ये मूवी चर्चाओं में इसलिए भी क्योंकि पहले दिन में ही इस मूवी ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और ये काफी चर्चाओं में भी है। तो चलिए पूरी डिटेल आपको मैं देता हूँ इस वीडियो में विद टॉप 5 पॉइंट। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट है कास्ट। तो कोई भी मूवी बनाने से पहले सबसे मेन चीज जो होती है इस मूवी की, जो पावर जो होती है वो है कास्ट। अगर आपने किसी मूवी की कास्टिंग अच्छे से नहीं करी है तो उसकी स्टोरी चाहे कितनी भी अच्छी हो, उसका बजट चाहे कितना भी हो, अगर उसकी कास्टिंग परफेक्ट नहीं है तो मूवी कामयाब नहीं हो सकती, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आज का सिनेमा यही है, अगर आप लोगों को मूवी एक्सेप्ट करवाना है तो उसको परफेक्ट कास्टिंग देनी पड़ेगी। और यही मिस्टेक हुई है आदिपुरुष के मेकर्स, इन्होंने कोई भी परफेक्ट कास्टिंग नहीं करी है। तो जैसे कि लगता है कि हम जो रामायण जो है वो बचपन से देखते आ रहे हैं कि राम जी कैसे थे, रावण कैसा था, सीता जी कैसी थी, उनकी एक वाइब ही अलग ही वाइब होती थी, उनके फेस में एक अलग ही अट्रैक्शन सा होता रहा, एक अलग ही वाइब क्रिएट होती, एक पॉजिटिवनेस होती थी। बट ये मूवी देख के आपको किसी से भी वैसे पर्सनल टच का फील नहीं होगा। कुछ कुछ जगहों पे जो सीन है जो कि कुछ एक देखने में काफी अच्छे लगते हैं, वो सीन अच्छे हैं। ओवरऑल कास्टिंग की बात करी जाए तो सीता जी के अलावा किसी की कास्टिंग इतनी अच्छी नहीं है। प्रभास को एज अ राम जी कास्ट किया गया है पर वो बिल्कुल नहीं जच रही, क्योंकि मैंने खुद अभी तक मूंछ वाले राम जी नहीं देखे हैं तो मैं खुद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। तो मतलब वो देखने में भी वाइब नहीं देते और ना ही अच्छे जच लगते हैं। सैफ अली खान ने रावण का रोल किया है, कुछ हद तक ठीक है, बट वो भी VFX से वो सब कुछ खत्म कर दिया है, तो रॉन्ग कास्टिंग जो है। तो चलिए सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट आता है स्क्रीन प्ले का। तो स्क्रीन प्ले की अगर बात करी जाए तो किसी के भी इतने भारी भरकम मतलब डायलॉग्स नहीं है। डायलॉग्स पे भी आएंगे, वो मेरा अगला पॉइंट है, किसी के भी इतने भारी भरकम डायलॉग्स नहीं है। और डायलॉग्स की तो इसमें अलग ही लेवल का कुछ डायलॉग्स बाजी लिखी है, तो मैं अगले पॉइंट में कवर करूंगा। तो स्क्रीन प्ले की बात करें तो ओवरऑल मतलब किसी ने उतना इम्पैक्ट नहीं छोड़ा है कि हाँ ये रामायण की कहानी है, जिसने मतलब मूवी देखने के बाद वो गूज़बम्स रह जाए, वो चीज़ हो, वो फील हो जो एक हमें बचपन में रामायण देख के होती थी, अभी वो बिल्कुल नहीं है। और चलिए बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट जो है, जैसे आपको बताया मैंने डायलॉग, तो डायलॉग तो ऐसे ऐसे है, क्रिंजी से बहुत ही अजीब गरीब से डायलॉग है। एक सीन है जहां पर हनुमान जी ये डायलॉग बोलते हैं, अभी तो और चलेगी, बेचारा जिसकी चलती है वही चलता है। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे। दिस मूवी इज प्रेजेंटेड बाय betbarter.com। चलेगी भी तेरे बाप। अब खुद ये डायलॉग देख के बताइए कि उस टाइम पे हनुमान जी ऐसी बात कर सकते थे क्या? मतलब ये सारी चीजें बोली गई हैं, ये आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई बोला होगा उस टाइम भी। ऐसी लैंग्वेज से यूज करेंगे, ये जो लैंग्वेज लग रही है ये तो मुंबई का फुल स्लैंग लग रहा है, मुंबई की वो जो मतलब टपोरी लैंग्वेज जिसको बोलते हैं वो वाली लैंग्वेज लग रही है। तो ये भी किसी भी ऑप्शन से मतलब डायलॉग को एकदम परफेक्ट नहीं है, मतलब परफेक्ट क्या, मतलब डायलॉग एकदम फुल क्रिंजी है। और अगला जो पॉइंट है मेरा वो है लुक्स। तो रामायण में अगर आप जैसे जो हम बचपन में रामायण देखते थे उसकी अगर लुक्स की बात करी जाए तो वो लुक देखने में लगता था कि हाँ यार मतलब ये लगते हैं राजा किसी, उसके पर ये लगते हैं इसके भाई, ये लगते हैं दानव। बट इस मूवी की अगर लुक्स की बात करी जाए तो किसी को एकदम टैटू सा बना दिया है, मतलब उसके एकदम टैटू पूरी बॉडी पे टैटू है, रावण के अलग ही पूरे स्कर्ट कर दिए हैं, मतलब पूरे ऐसे मतलब हेयर स्टाइल होके आया है, एकदम पूरे बाल एकदम कटिंग एकदम मतलब कट वट लगे हैं। तो मतलब लुक्स में एक कैप बना रखी है, टी शर्ट बना रखी है रावण को, तो लुक्स में भी अगर आप देखें तो लुक्स में भी कोई भी उतना परफेक्ट नहीं लगा है, मतलब कि लगे कि हाँ वो वाइब आए कि हाँ यार रामायण देख रहे हैं, एक रावण से मूवी, एक इंस्पायर मूवी देख रहे हैं आदिपुरुष, वो वाइब नहीं आई है। तो लुक्स में भी मतलब आई डोंट थिंक सो कि वो मैच कर पाए
लास्ट और फाइनल पॉइंट जो मेरा है वो VFX, मतलब 500 करोड़ रुपए लगाने के बाद भी आप अगर एक अच्छा VFX नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे तो यार मतलब इट्स नॉट गुड, क्योंकि मतलब VFX में बहुत सारी गलती है और बहुत सारे सीन तो ऐसे हैं जो अलग अलग मूवी से इंस्पायर कह लो चाहे कॉपी कह लो चाहे उठा लिए हैं। बहुत सारी मूवीज हैं हॉलीवुड की मूवी जैसे आप क्लिप देख पाएंगे ये वाली, आपने देखा इन क्लिप्सों में ऑलमोस्ट सेम सा लग रहा है कि हाँ कुछ क्लिप्स यहाँ से उठा ली कुछ क्लिप्स यहाँ से उठा ली, तो वो भी एक कॉपी सा फील होता है कि मतलब यार ओरिजिनलिटी कुछ तो होगी बट नो। VFX भी आप देखें तो यही सारी चीजें हैं, यही सारे रीजन है जिसके वजह से लोग इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ये मूवी को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा। मतलब ठीक है एक रिलीजन से मूवी है बट जब तक आप पब्लिक को एक अच्छी स्टोरी के साथ साथ एक अच्छा स्क्रीन प्ले और एक अच्छी मूवी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो उसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, चाहे वो 500 करोड़ की हो चाहे 1000 करोड़ की हो। अच्छाइयों की बात करें इस मूवी की तो BGM एक नंबर, मतलब इस मूवी के अगर जो टॉप ऑफ द नॉट जो चीज है वो है BGM, मतलब इसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो एक मतलब वाइब देता है कि हाँ मतलब लगता है कि हाँ कुछ देख रहे हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा इसका BGM। फाइट सीन्स हैं जो कहीं कहीं वो मुझे अच्छे लगे, वो सारी चीजें अच्छी लगी। बट अगर आपको आज के टाइम में एक अच्छी मूवी चलानी है तो पब्लिक को एक अच्छी मूवी डिलीवर करनी पड़ेगी। आज की पब्लिक बहुत स्मार्ट हो चुकी है, OTT पे ऐसा ऐसा कंटेंट देखने को मिलेगा क्योंकि पब्लिक उससे काफी ज्यादा अपग्रेड हो चुकी है, तो इसलिए अगर अच्छी मूवी डिलीवर करनी है मूवी को कामयाब बनाना है तो नाम ही नहीं आपको एक कंटेंट भी अच्छा देना पड़ेगा, अच्छी स्क्रिप्ट राइटिंग देनी पड़ेगी, अच्छा स्क्रीन प्ले देना पड़ेगा। बल्कि यहाँ पर तो एक परफेक्ट स्टोरी होने के बाद भी इतनी सारी गलतियां हुई हैं, ऐसी स्टोरी जो कि हम अपने बचपन से देखता है जिससे हम सब इंस्पायर है कि सब चीजें होने के बाद भी एक इतनी परफेक्ट स्टोरी होने के बाद भी ये सब चीजों को और अच्छे से क्लियर करके नहीं दिखाया तो ये काफी बड़ी मिस्टेक है मेकर्स के लिए। तो यही थी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा या कौन से पार्ट से आप मेरे एग्री करते हैं, और अगर किसी पार्ट से मेरे डिसएग्री करते हैं तो वो भी कमेंट कीजिएगा, और अगर अच्छी लगी तो आगे भी शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, और आज का कोट यही है कि बढ़ते रहिए अच्छा काम करते रहिए, और अगर तरक्की चाहिए तो प्लीज बी पेशेंट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वन, तब तक सी यू।